क्या आप जानते हैं दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सभी की एक आदत कॉमन है और वो है सुबह जल्दी उठने की आदत। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हम सभी ने ये लाइन कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी, लेकिन हम कभी ये समझ नहीं पाए कि प्रैक्टिकली ये पूरी तरह से सच है और जिन लोगों ने इस प्रिंसिपल को रिलीजियसली फॉलो किया उन्होंने अलग ही लेवल पर अपना नाम बनाया। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल वरुण रितिका। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कि आखिर ये ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, इसमें उठने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों ये दिन का इतना कीमती टाइम है। एक्चुअल में ब्रह्म मुहूर्त सूरज उगने से 1.5 घंटे पहले होता है और लगभग 48 मिनट्स तक रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आप हेल्दी तो रहते ही हैं, साथ ही आप क्रिएटिविटी और फोकस भी बढ़ा पाते हैं। ये टाइम मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की खासियत के बारे में कि आखिर दिन के ये 48 मिनट्स इतने खास क्यों हैं। तो चलिए मैं ये बात आपको एक स्टोरी से समझाती हूँ। एक गाँव में एक किसान था, उसकी माँ अपने आखिरी वक्त में अपने बेटे से बोलती है कि बेटा हमारे घर के बाहर का रास्ता ठीक नहीं है, इसलिए रोज़ घर के बाहर एक दिया जलाकर रखना ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। इतना कहकर उसकी माँ का देहांत हो गया। अब वो किसान अपनी माँ की इच्छा का सम्मान करते हुए रोज़ दिया जलाकर रखने लगा, मगर फिर भी उसके घर के सामने से निकलने वालों में से कोई ना कोई वहाँ लड़खड़ाकर गिर जाता। फिर वो सोचता कि माँ ने तो कहा था दिया जलाने से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, बट दिक्कत तो अभी भी हो रही है, यानी इस दिए का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सोचकर उसने दिया जलाना बंद कर दिया। अब आप बताइए कि इस कहानी में कौन गलत है, वो माँ, वो किसान या वो दिया? कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि ज़रूर दिए में ही कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी रोशनी ही कम होगी। एक्चुअल में ना दिए की गलती थी ना ही किसान की। पूरी स्टोरी में अगर कुछ गलत था तो वो था टाइम। जी हाँ, किसान गलत टाइम पर दिया जलाता था। वो दिन में दिया जलाता था क्योंकि उसकी माँ ने उसे ये नहीं बताया था कि शाम को दिया जलाना है। किसान दिन में दिया जलाता था और शाम होते होते दिया बुझ जाता था, जिससे दिए का कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो बस समझ लीजिए कि इसी कहानी में छुपा है ब्रह्म मुहूर्त का सीक्रेट। हम में से काफ़ी लोग बहुत मेहनत करते हैं, बट फिर भी वो काम हमें उतना रिजल्ट नहीं देता जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि हम उस काम को सही टाइम पर नहीं करते। जैसे देर रात को खाया गया हेल्दी फूड भी एसिडिटी क्रिएट कर देता है, इसी तरह हमारी बॉडी, माइंड और सोल की नेचर से ट्यूनिंग के लिए टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का। और अगर सुबह हमने अपनी ट्यूनिंग सही कर ली तो हम पूरा दिन जो भी करेंगे वो सही होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे बाहर जाने के लिए आप ये एश्योर करते हैं कि हमारा फ़ोन पूरा चार्ज हो, ताकि किसी काम के बीच में उसकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। इसी तरह हमारी बॉडी, माइंड और सोल का चार्जिंग पॉइंट है ब्रह्म मुहूर्त, और सोर्स ऑफ एनर्जी है ये यूनिवर्स। वहीं अगर हम देर से सोकर उठते हैं तो हम भी एक डिस्चार्ज फोन की तरह ही बिहेव करने लगते हैं, जिससे हमारे दिन के सारे काम हम ठीक से नहीं कर पाते। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, जो कि करीबन 4:30 से 5:30 के बीच होता है, सिर्फ ये ही इतना पावरफुल टाइम क्यों है, जबकि हम तो पूरे दिन यूनिवर्स के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। इसका एक्चुअल रीज़न ये है कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर सूरज अपने सबसे लोअर स्टेट में होता है, और क्योंकि हमारी बॉडी के सारे प्रोसेस सन से कनेक्टेड हैं तो हमारे वो प्रोसेस भी पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुए होते और हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, या कह सकते हैं कि सबसे कम डिस्टर्बेंसेस में होते हैं। तो माइंड के लिए कुछ भी सोचना या मैनिफेस्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे दिन में अगर हमें कहीं दूर ड्राइव करके जाना हो तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम सुबह जल्दी उठकर जाएं तो उससे आधे टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर लेंगे। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हम नेगेटिव थॉट जैसे ट्रैफिक से बच सकते हैं और इजीली यूनिवर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त एंड कफ, जिन्हें साइंस ने भी ये माना है कि बड़ी से बड़ी बीमारी की शुरुआत इन 3 दोष, वात, पित्त और कफ के डिसबैलेंस से ही होती है। इसलिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपके 3 दोष काफ़ी हद तक बैलेंस रहते हैं, और वात दोष, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है काफ़ी सारे डिजीज़ का, वो बैलेंस हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें पहला आता है हमें ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइम में हमें सिर्फ अपनी प्रेजेंस मेंटेन करनी है, जो कि यूनिवर्स को अलाउ करती है कि वो अपनी डिवाइन एनर्जी हम तक पहुँचा पाए।
सेकंड आता है जो काफ़ी लोगों को अजीब लगेगा बट सच है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में योगा, जिम या कैसी भी फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए। एक्चुअल में ब्रह्म मुहूर्त अपने माइंड और सोल को यूनिवर्स से कनेक्ट करने का टाइम है, इसलिए ध्यान रखें कि आप अपने ब्रह्म मुहूर्त के 48 मिनट्स बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करें। जो लोग इस टाइम में विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो करते हैं उन्हें रिजल्ट काफ़ी जल्दी मिलने लगते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त के बाद अपनी फिजिकल एक्टिविटी जिम योगा कर सकते हैं। थर्ड आता है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, पानी पी सकते हैं बट चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इतनी सुबह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ होता और अगर आपने कुछ खा के उसे एक्टिवेट कर दिया तो हमारी सारी एनर्जी डाइजेशन में ही लग जाएगी। एट लास्ट हम बात करेंगे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जिन्हें यूज़ करके काफ़ी सारे लोगों ने अपने मन चाहे रिजल्ट्स अचीव किए हैं। सो इसमें फर्स्ट आता है ग्रैटिट्यूड टेक्निक। इस टेक्निक में आपको ब्रह्म मुहूर्त में बस रिलैक्स होकर बैठना है और नेचर के हर एक एलिमेंट को, अपने रिलेशनशिप्स, ऐसी सर्विसेज जो हमारी लाइफ को ईजी बनाती हैं, बिजली, पानी, हर एक चीज़ को थैंक यू बोलना है, क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है कि जिन चीज़ों के लिए हम थैंकफुल होते हैं वो हमारी लाइफ में बढ़ती हैं। सेकेंड आता है पॉजिटिव एफर्मेशंस। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना, जैसे मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है यूनिवर्स मुझ तक पहुँचा देता है, मेरे आसपास सभी लोग बहुत सपोर्टिव हैं और मेरी केयर करते हैं। ऐसी एफर्मेशन से आप अपने लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बना पाएंगे और ऐसी ही वाइब्रेशन अट्रैक्ट कर पाएंगे। थर्ड एंड द लास्ट इज़ वाइट लाइट मेडिटेशन। इस टेक्निक में आप बस रिलैक्स होकर बैठ जाएं और इमेजिन करें कि यूनिवर्स से एक डिवाइन वाइट लाइट आपके सर के ऊपर झरने की तरह गिर रही है और वो लाइट पूरी बॉडी में जाकर सारी बीमारियां, नेगेटिव थॉट्स को लेकर बाहर निकल रही है और हम पूरी तरह से हेल्दी होते जा रहे हैं। इस टेक्निक को कम से कम 20 मिनट तक करना चाहिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।